मीरापुर अभी मैं पहुंच चुके हैं और यहाँ पर माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और थोड़ा यूनिक प्रतिमा भी है यहाँ पर। एक और नए व्लॉग में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और अभी हम लोग, बताइए, अभी हम आज कालरात्रि माता का है और आज हम लोग जा रहे हैं रायपुर, आकाशवाणी रायपुर में जो माँ काली का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, भनपुरी के पास में, वहाँ पर भी केदारनाथ के रूप में, और उसके बाद डबरस जाएंगे और अच्छे अच्छे दुर्गा देखेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन है माता रानी की मूर्ति यहाँ पर। ये जो हीरापुर अभी लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और थोड़ा यूनिक प्रतिमा भी है यहाँ पर। माता रानी अलग अलग रूपों में यहाँ पर वो है। काफ़ी अच्छा लग रहा है वीडियो देख के। सफर को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग अभी और भाई अपनी कर्म भूमि है डब्लूआरएस, वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं बेटियों को लेके। तो यहाँ जो है डब्लूआरएस कॉलोनी में जो है केदारनाथ के थीम के ऊपर पंडाल बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन पंडाल है बिल्कुल अपना। चलिए हम लोग पंडाल के अंदर एंटर लेते हैं, तो आप लोग बने रहिए और माता रानी का दर्शन करिए। जय माता। और भोग भी हम लोग लिए, उसके लिए भी थैंक यू। पहुँच चुके हैं, भीड़ तो जबरदस्त है भाई, देखते हैं। रतनपुर की माँ माए माता है। जय माता। जय माता रानी, जय माता रानी, हरी जय माता। गंगा मैया झलमला बारो। दो शब्द बताइए। नहीं, भीड़ ज्यादा नहीं है बिल्कुल।
अब हम लोग आ गए हैं आकाशवाणी काली माता मंदिर। यहाँ पर भी जोत जल रहा है, जोत का दर्शन करके माता रानी का दर्शन करेंगे। जय माता दी। जो ही कुछ बोलना है दो शब्द बार भी बोलेगी। दो शब्द तू बोल, जूही को बोलना बोल। चल हाँ जल्दी बोल, जल्दी बोल। क्या बोलेगी? दो शब्द। काफी सुंदर माहौल है, बिल्कुल एकदम भक्तिमय। तो व्लॉग में बने रहिए और इसको भी देखिए, आकाशवाणी माँ काली मंदिर। जय माता। फिर है यहीं पर क्लोज करते हैं। उस प्रकार जैसे पहले ब्लॉग आपने लाइक किया, इसको भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। जय माता।